वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया बिल्कुल सुबह सुबह। अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock और आप मेरी आंखें देख सकते हैं कितनी सूजी सूजी हैं। मैं अभी सो के उठ रही हूँ और मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया तो इसलिए इतना सुबह सुबह, क्योंकि आज गणपति बप्पा का विसर्जन है। जो हमने घर पर रखा था ना गणपति बप्पा अपना, उनका आज विसर्जन है, तो इसलिए जल्दी थोड़ा सुबह उठ के उनके लिए कुछ प्रसाद बना लेंगे और फिर उन्हें विसर्जित करना है, तो वो सब भी तैयारी करनी है, तो इसलिए मैंने अभी स्टार्ट कर दिया। और चलिए प्रसाद बनाते बनाते आपसे बात भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि मैं क्या प्रसाद बना रही हूँ और अपने गणपति बप्पा का विसर्जन हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर। और जगह पे तो कैसे होता है मालूम नहीं, मतलब मैं यहाँ पे कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी। तो चलिए बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो चलिए चलते हैं प्रसाद बनाने। सबसे पहले तो प्रसाद में मैंने बना लिया था ये मीठी बूंदी, दो जो बेसन की बनती है ना मीठी वाली बूंदी, वो ही मैंने बना लिया और ये मुझे ईजी और क्विक लगा तो इसलिए मैंने इसे बना लिया। तो ये रहे हमारे गणपति बप्पा। यहाँ पहले हम लोग घर पे पूजा वूजा कर लेंगे, पहले प्रसाद चढ़ा लेंगे उन्हें और फिर पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम इनका विसर्जन करेंगे। और इन्होंने घर पे ही ऐसे छोटा सा सिर्फ हवन कर दिया। वो होता है ना, एक कोई भी चीज़ आप पूजा का करते हैं तो हवन करना जरूरी होता है, हम वही कर रहे थे। बच्चे भी कर लिए, इन्होंने भी कर लिया, मैं सब लोगों ने ऐसे मिल के कर लिया जस्ट। और नीचे थोड़ा गंदा हो गया है, प्लीज़ डोंट। गणपति पप्पा को हमने उनके जगह से उठा लिया और पहले हम लोगों ने सोचा कि बुगू को दे दे, वो वही थोड़ा निकल बाहर लेके आ जाएगा, लेकिन उससे उठ ही नहीं रहा था। भारी बिल्कुल नहीं है लेकिन वो संभाल नहीं पा रहा था, तो इसलिए सिवी लेके आ रही है। उन्हें ये सब करने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, उसे बहुत ही मजा आता है। अब हम लोग चलते हैं उनका विसर्जन करने। यहाँ पे हमारे पास में ही होता है, जो लोग अपने घर पे रखते हैं वो लोग जाके कर देते हैं, या जो लोग ये पंडाल बना के रखते हैं उसमें डालते हैं, जस्ट पास में ही है इसलिए हम लोग वहाँ पे गए। और ये रहे हमारे छोटू छोटू गणपति पप्पा। तो अब चले जाएंगे ये, और इनसे बोलना है आप अगले बरस प्लीज़ जल्दी आइएगा।
तो अंदर किसी को भी जाने नहीं दे रहे थे, वो लोग थे जीएचएमसी वाले लोग, वही लोग कर रहे थे, तो उन लोगों ने ही बाहर से ले लिया और वो लोग ही अंदर ऐसे जो भी उन लोग का प्रोसेस है वो ऐसे कर रहे थे लोग। तो सब कुछ हो गया और अब हम लोग चलते हैं घर। और शिवी बार बार उसको ही देख रही थी, रो भी रही थी, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मुझे उनको नहीं देना। तो हम लोगों ने उसे ऐसे ही बोला फिर से लेके आएंगे घर पे, दूसरा लेके आएंगे अच्छा वाला, थोड़ा वो खुश हो गई। उसके बाद बस ये लोग थोड़ी मस्ती कर रहे थे, उसके बाद हम लोग घर आ गए। बस ऐसा ही हम लोगों ने अपना कर लिया, जो भी मुझे समझ में आया जैसा मैं करती हूँ वैसा मैंने कर लिया अपना। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो को अगर 10 लोग भी देख रहे हैं तो उसमें से प्लीज़ 2 लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो